हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं आई हुई हूँ जद्दा सऊदी अरेबिया, और ऑफ कोर्स मैं घर से अहराम की नीयत में थी, तो इस वजह से हम लोग अभी फ़ौरन इसी वक्त मक्का के लिए निकल रहे थे जैसे ही मैं लैंड हुई थी। जद्दा से मक्का का सफ़र तकरीबन 1 आवर तक का है अगर आपको सिक्योरिटी चेक पर टाइम नहीं लगे, अदरवाइज 1 आवर 45 मिनट्स में आप मक्का होते हो। मैं पूरे 2 साल बाद मक्का जा रही थी, तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल तो आप कह लें 100% से भी ऊपर थी ना, लेकिन थकावट अपनी जगह हुई हुई थी। ये बाबा जी और मैं थी, हम लोग बाबा के साथ में जा रही थी, मेरी बाकी फैमिली सारी पाकिस्तान है तो सबसे सिर्फ मैं और बाबा ही थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गया मेरा, फ़्लाइट का भी पूरा का पूरा और उसके बाद आगे भी। ऑल्दो मैं एक सारे दिन की जागी हुई थी, सारे वक्त सफ़र में थी, लेकिन मक्का जाते हुए तो कहते हैं इंसान की थकन ख़त्म हो जाती है, मेरे साथ बिल्कुल वैसे हो गया। तो जैसे ही मैंने कहते हैं जद्दा की हवा मुझे टच की है, उसी वक्त मैं बिल्कुल खुश थी, बिल्कुल एनर्जाइज हो गई थी। और लैंड होते साथ ही आप लोग को ब्रेक मिल जाए तो भाई मतलब पैदा हुए वहाँ बच्चे का तो दिल ही बन जाता है, बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ था। मुझे जद्दा एयरपोर्ट लैंड होते साथ ही अबू ने पिक किया और वो मेरे लिए अलबेक लाए हुए। तो आपकी बहन जो उस पर टूटी है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, उफ जो मैंने मज़े लिए हैं अलबेक खा के, उफ मैं बता नहीं सकती। तो जी ये हम लोग मक्का के हदूद में एंटर हो गए हैं, जैसे कि आप लोग वीडियोज़ में देख रहे हैं। हमारी राइड काफ़ी अच्छी थी और बाबा ने जो हमारी जहाँ तक हमारे परमिट्स की बात है तो अबू का तो रेजिडेंशियल वीज़ा है काम होल्डर के ऊपर बना था, और मेरा जो था वो मैंने अपने पासपोर्ट और विज़िट वीज़े के ऊपर बनाया था। तो उसके ऊपर मेरे लिए उम्रे का और ज़ियारत के टाइमिंग सारे टाइम अवेलेबल थे, लेकिन इस तरह मेरे अब्बू हैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो हमें ज़रा ये मसला आया था एक साथ ज़ियारत के और उम्रा के टाइमिंग लेते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और अब्बू को हमेशा जब भी मैं चाहती हूँ मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें जी हम लोग मक्का के हदूद में एंटर हो गए, इंतहाई खूबसूरत रात का टाइम था। ऑफकोर्स मैं तकरीबन जद्दा एयरपोर्ट 8-9 बजे तक पहुंची थी, एंड देन उसके बाद जो मेरा परमिट था वो 11 बजे से शुरू हो रहा था। एंड जी ये हमने गाड़ी यहाँ ताज़े जो है उसके बैक साइड पे बड़ी खुली स्पेस थी वहाँ पार्क कर दी थी, और वहाँ से हमने टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा और वो हम लोगों को आगे जबल उमर से हम लोगों ने बेसिकली उसको पकड़ा था टैक्सी ड्राइवर को। एंड देन यहाँ से जी ये देखें हम लोग हरम हमें छोड़ने गया था टैक्सी ड्राइवर। मक्का में ये बस सर्विस भी चल रही थी जिसका मुझे खास आइडिया नहीं है, ये जो बस आपको सामने नज़र आ रही है, लेकिन मैंने सुना था जो लोग उम्रे वगैरह के लिए गए हुए थे वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत थी क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट हरम उतारती थी। तो अगर कोई भी उम्रा करने जा रहा है फ्रॉम पाकिस्तान या एनी अदर वर्ल्ड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सॉरी, तो फिर वो इस बस के बारे में लाजमी जाने। ये जी हम लोग ये देखिए हरम की हदूद में एंटर हो गए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं हरम के आसपास बहुत खूबसूरत होटल्स हैं एंड सारा का सारा बहुत अच्छा ये सिस्टम है। हमारे साथ ये सिलसिला था कि टैक्सी ड्राइवर्स को ऊपर हरम की जो एरिया है उसमें उतारने की इजाज़त नहीं थी, तो जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था उसने हम लोगों को पार्किंग के अंदर उतारा था जो हरम की पार्किंग होती है उसमें, और फिर हम लोग वहाँ से ऊपर गए थे। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम लोग हरम के हदूद में, ये देखिए ये पूरा हरम का एरिया है उसमें हम एंटर हो गए हैं। दिस वाज द फीलिंग जहाँ पे मेरी सारी थकावट उतर चुकी थी, बिकॉज आई न्यू इट आई मेड इट, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई हूँ। जहाँ तक चेकिंग की बात है चेकिंग हो रही थी लेकिन सिर्फ मर्दों की चेकिंग हुई थी क्योंकि मैं और अबू एक साथ थे और मैं लेडीज़ हूँ, तो उन्होंने मेरी कोई चेकिंग नहीं की थी ना अबू को रोका था तो, लेकिन इतनी कोई ख़ास चेकिंग नहीं है परमिट्स वगैरह की, इतनी खास चेकिंग नहीं, ये शुर्तियाँ खड़ी हुई होती हैं जो अक्सर लेडीज़ के पर्स वगैरह चेक करती हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, सिक्योरिटी होनी चाहिए। एंड ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हरम शरीफ में थे, ये देखें ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड जी हम यहाँ से चल के नीचे चले गए थे, ये देखें यहाँ से आप अक्सर नीचे जाते हैं, मुझे काफ़ी एरियाज़ का नहीं पता है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काबा, उफ़ मैं आपको बता नहीं सकती ये मनाजिर मेरे लिए कितना अच्छा था, मैं इतनी खुश थी। अबू आगे नमाज़ पढ़े थे और मैं बेचारी पीछे बैठ के
बस लाइक कावा को देख रही थी। और मेरी आदत है कि मैं इस तरीके से जो बाउंड्री होती है या जो ये एरिया होता है इसमें आके बैठ जाती हूँ उम्रा करने के बाद या तो आफ करने के बाद, हम इधर आके बैठ जाते हैं। बचपन से पर यही आदत रही। और जी मैंने जमजम तो लाजमी पीना था, लाइक दिस वॉज कंपल्सरी फॉर मी। ये देखें जी, इंतहाई खूबसूरत, आई लव्ड बीइंग देयर। जहाँ पे जो सुकून है ना, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। आप लोग को पहले से ही पता है कि इस टाइम इतना ज़्यादा रश था, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। ये सारे जो उम्रा के ग्रुप वगैरह थे वो सब लोग आए हुए थे। और ये जो स्पेसिफिक एरिया है इधर हतीम के एरिया में पढ़ने के लिए, लाइक दोनों फल अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा रश था। और इंतहाई किस्म की ज्यादती कर रहे थे ये लोग, क्योंकि मर्दों को पहले पूरा एरिया देते थे, फिर औरतों में जो एरिया होता था ना उसके फर्स्ट टू रोज़ मर्दों को दे देते थे। मुझे इतनी गुस्सा चढ़ रहा था ना इस बात से, फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, इनका लाइक रोज़ का मामूल है ये। जहाँ तक मुकाम मुल्तज़िम की बात है, वहाँ मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था। अबू मेरे से पहले उम्रा ख़त्म कर चुके थे, तो मुझे उम्रा कम्प्लीट करना था ताकि ज़्यादा रात ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी लाइक मुझे 12 तो बज गए थे तवाफ़ करते करते। एंड जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइक तवाफ़ करने के बाद फ़ौरन से अपनी सही शुरू की और मैं सही अकेले कर रही थी। अब जिन लोगों के दिल में ये सवाल आएगा कि आपके और आपके अबू अलग अलग उम्रा क्यों करते हैं, क्योंकि अबू की स्पीड ज़्यादा है उम्रा करने की और मेरी कम है, और उसके बाद हम इतने अरसे बाद जाते हैं, अबू सऊदी अरब भी होते हैं तो वो जब चाहें जा सकते हैं, तो हम लोग बहुत टाइम लेते हैं, अपना अच्छा खासा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, तो इसलिए अबू पहले ख़त्म कर लेते हैं, और ताकि वो खाना वगैरह हर चीज़ और अपने बाल कटवा सकें टाइम से। और हम लोग जो हैं हम लोग स्लोली स्लोली करते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, ये सफ़ा का पहाड़ है। जब हम छोटे होते थे ना, मैं आप लोग को मज़े की बात बताती हूँ, हम लोग इनके ऊपर मम्मा लोग हमें छोड़ देते थे और हम लोग खेलते रहते थे जब ये लोग खुले होते थे। जो बच्चे वहाँ लाइक बचपन में पैदा हुए हैं और मक्का मदीना गए होंगे, आप लोग उनसे भी सेम स्टोरीज सुन सकते हैं कि ये एरिया ओपन होता था और हम लोग इस पर खेलते रहते थे। ये देखें जी, अब तो इन लोगों ने बंद कर दिया, जो कि मुझे नहीं पता क्यों बंद किया है, मुझे लिटरली कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो उम्रा था वो बहुत अच्छा गया, थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, ना टांगे दर्द की, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। एंड ये देखिए जी, माशाल्लाह से रश वही जो कोविड से पहले था ना, वही सेम रश है अब माशाल्लाह से। जी ये ऊपर क्लॉक में आप देख सकते हैं कि 1 बजे एग्जैक्ट मेरी सही मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ सऊदी औरतें थी, मैं अपनी सीजर्स घर भूल गई थी और अबू भी अपने साथ कोई कैंची वगैरह लाए नहीं थे मुझे देने के लिए, तो जिसकी वजह से एक लेडीज़ है मैंने उनसे ले ली थी जो सऊदी औरतें थी, उन्होंने मेरे बाल काट दिए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अहराम भी मैं फ़िनिश कर सकती थी एंड मेरा उम्रा भी फ़िनिश हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत अच्छा गया। फिर वहाँ से हम चल के, ये बात मैं आप लोग को बता दूँ कि एक दफ़ा अगर आप लोग सही वाले एरिया में आ जाते हो तो आप वापस तवाफ़ करने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एंड इस दफ़ा मैंने तवाफ़ अलविदा नहीं परफॉर्म किया था, लेकिन जब मेरा इकामा ख़त्म करना था तब मैंने किया था, तो क्योंकि मेरे पास वीज़ा है और मैं मल्टीपल टाइम्स जा सकती हूँ। तो जी ये यहाँ से लोग एंटर भी हो रहे थे और एग्ज़िट भी था जहाँ से मैं यहाँ से निकली हूँ। उसके बाद से मैं ले ली, अबू से मैं मिली, खाना पीना किया हम लोगों ने और हम लोग हरम की पार्किंग में, और वहाँ से हमने टैक्सी ली एंड हम लोग चले गए थे अपनी गाड़ी के पास। आई होप आप सब लोग को मेरे उम्र का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड जो लोग ये कह रहे हैं कि आप वहाँ जाके व्लॉगिंग कर रही थी, आप लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, काइंडली प्लीज़ इन कमेंट्स से गुरेज करें। मेरी सिर्फ खुशी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई थिंक सो मेरा बनता भी है, ठीक है। तो काइंडली प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स से गुरेज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।